तो स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। तो आज हमारे पास है Redmi Note 10s, इसकी करनी है हमको अनबॉक्सिंग। तो ये रहा Xiaomi का बॉक्स। अगर इस मॉडल की बात करें तो ये 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर। तो ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो इसके बॉक्स पे दी गई थी। बाकी इसमें सिर्फ मुझे एक ही कमी नजर आई कि ये 5G नहीं है। बट कोई नहीं यार, 5G नहीं है तो क्या हुआ। ओ तो ये है इसका डिवाइस, इसको पहले साइड में रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या क्या है। तो इसके अंदर मिलेगा आपको ये सिम टूल इजेक्टर है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह दिए गए हैं, एक नॉर्मल सा कवर, ट्रांसपेरेंट कवर जो इसके साथ आपको मिलता है। एक महीने में ये ख़राब हो जाता है जैसा कि आप सबको पता है। और ये मैसिव चार्जर जो कि मिलेगा इसमें 33 वॉट का टर्बो चार्जर, क्योंकि 33 वॉट का है तो इसकी केबल भी थोड़ी ब्रॉड है, नॉर्मल मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा मोटी है। चलिए अब पीस को कर लेते हैं ओपन। काफ़ी सही सा मोबाइल है, लुक वाइज देखा जाए तो ये डीप सी ब्लू कलर में है और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन के साथ साथ पावर बैंक पावर बटन में ही आ जाएगा आपका फिंगरप्रिंट्स। नीचे की साइड देखें तो एक सी टाइप का पोर्ट है, स्पीकर, माइक और 3.5 mm का जैक। सिम ट्रे जो है वो डेडिकेटेड सिम ट्रे है जिसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी एक साथ लगा सकते हैं। ऊपर के साइड देखें तो एक स्पीकर और IR ब्लास्टर के साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन माइक भी प्रोवाइड किया गया है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज में ये मोबाइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि अगर बात करें हम डिस्प्ले की तो आपको 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डॉट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि पीक ब्राइटनेस भी देता है आपको, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो जो ज़्यादा ब्राइटनेस में रहते हैं, जो लाइट में रहते हैं, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि सनलाइट में भी ये काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस आपको देगा कि आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। स्टिकर को हटा लेते हैं, ये फिनिश काफ़ी अच्छा है क्योंकि पीछे मैट फिनिश दी गई है और इसी के साथ साथ आपके हाथ में ये बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। कुछ सेटअप कर लेते हैं इसके अंदर। और बात करें जो गेमों के शौकीन है उनको तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है MediaTek Helio का G95 का प्रोसेसर जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। बात करें कैमरे की तो ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड माइक्रो कैमरा मिल जाएगा, मतलब टोटल आपको 4 कैमरे मिलेंगे इसमें। 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ साथ अगर कैमरे की यूआई की बात करें तो इसमें नॉर्मल फ़ोटो और वीडियो के साथ साथ एक प्रो मोड इंक्लूड किया है इन्होंने। इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस करके और भी डिफरेंट डिफरेंट अच्छे फ़ोटो फिल्टर्स के साथ क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ मोर के ऑप्शन में ऑब्वियसली 64 मेगापिक्सल और स्लो मोशंस वगैरह इसमें इंक्लूड किया रहता है, तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोटो भी आएगी ये मोबाइल में। डुअल फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं इसमें और इसका कर लेते हैं नॉइस टेस्ट। बात करें बैटरी की तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और टर्बो चार्जिंग के साथ इसका 33 वॉट का जो चार्जर है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है आपको, टर्बो मोड में चार्ज होती है। और इसी के साथ साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आ रही हो यूट्यूब पे तो समझ जाना कि परफॉर्मेंस अच्छा दिया है मोबाइल ने। यूट्यूबर नहीं होते भाई। हो गया नाजिम, सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें डुअल स्टीरियो है।